यूनिक कंसिस्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को चंडीगढ़ क्षेत्र के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का काम सौंपा गया था। इन एजेंसियों के साथ जुड़े 250 से ज्यादा ऑपरेटरों का काम रोक दिया गया था, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इस वजह से SBI के कई ब्रांच पर काम रुक गया और टारगेट से पीछे रह गया। दोषी ऑपरेटर्स में से 40 साल का विक्रम भी शामिल था, जिसे हरियाणा के जिंद जिले के ऊंचा गांव में 10,000 रुपए के वेतन पर आधार कार्ड बनाने का काम मिला था। 26 दिसंबर 2018 को विक्रम पर UIDAI ने 33 लाख का जुर्माना लगाया था। एजेंसी के मुताबिक 9 नवंबर से 17 नवंबर के बीच अपने ID का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेजों के सहारे आधार कार्ड बनाए थे। यह पूरा फर्जीवाड़ा 143 डिवाइस का इस्तेमाल करके किया गया था। SBI ने यह मुंबई मुख्यालय में उठाया, जिसने बाद में इसे UIDAI के सामने उठाया। SBI के मुताबिक एक से ज्यादा स्टेशन ID उन्होंने नहीं बनाए, बल्कि यह एजेंसी के सिस्टम की खामी की वजह से यह संभव हुआ होगा। सबसे बड़ी खामी यह सामने आई कि विक्रम के व्यक्तिगत बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके आधार कार्ड बनाए गए और उनका इस्तेमाल इनकम टैक्स, महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और कई बैंकों से पैसे निकालने में हुआ, मगर आधार की एजेंसी ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। SBI के जांच विक्रम को निर्दोष पाया गया और बैंक ने एजेंसी से विक्रम को वापस काम पर लौटने की अनुमति देने का अनुरोध किया। विक्रम के अलावा सभी ऑपरेटर काम पर लौट चुके हैं। आधार कार्ड की एजेंसी ने सुरक्षा के तौर पर आधार ऑपरेटर के पंजीकरण में एक नया चरण जोड़ा है। तो हमारे न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज़ के अपडेट